अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बकास संधु और आप देख रहे हैं संधु सॉल्यूशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एमएस वर्ल्ड बारो के पेपर या फिर कोई और चीज़ टाइप कर रहे हैं और इसके बीच में आपको कोई उर्दू की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो इस सूरत में आप क्या करेंगे। एमएस वर्ल्ड पर तो उर्दू टाइप होती नहीं है, इस सूरत में फिर आपके पास सिर्फ एक ही हल होता है कि आप अपना टेक्स्ट इन पेपर टाइप कर लो और बाद में इसको कॉपी करके एमएस वर्ल्ड में ले आओ, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कॉपी करके एमएस वर्ल्ड पर पेस्ट नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना डाटा इन पे से कॉपी करके एमएस वर्ल्ड पर लेके आना है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में तमाम नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम सबसे पहले अपने इन पेज को ओपन कर लेते हैं। हमने इन पेज को ओपन कर लिया है। इधर हम कोई स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमने इधर एक स्टेटमेंट लिख ली है। जब हम इसको सिंपल कॉपी करेंगे कंट्रोल ए सेलेक्ट करके, इसको कंट्रोल सी शॉर्टकट की से कॉपी करके एमएस वर्ल्ड में पेस्ट करेंगे तो आप देखना हमारे पास क्या होता है। एमएस वर्ल्ड ओपन कर लिया हमने। हम जब इसको एमएस वर्ल्ड में कंट्रोल वी शॉर्टकट की कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो इस तरह के हमारे पास जो है वो कोड बन के आ जाएगा, टेक्स्ट जो है हमारा इधर कॉपी नहीं होगा। तो अब मैं बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह आपने एमएस वर्ल्ड में लेके आना। हम इसको डिलीट कर देते हैं और इधर आते हैं इन पेज में। इधर हमने एक टूल है आइन के नाम से, जो इधर टूल बुक नज़र आ रहा है, इसको हमने लेना है एन टूल को इधर आपने ड्रा करना है और अपना जो टेक्स्ट है वो इधर आपने कॉपी कर लेना है। उसको हमारा टेक्स्ट इधर आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आपने इस एरो के बटन पर आ जाना, क्लिक करना है इसको और इधर क्लिक करना है। एक दफ़ा इधर क्लिक करके आपने इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। कॉपी करके आपने इधर आ जाना है एमएस वर्ल्ड पर। एमएस वर्ल्ड पर आके आपने डायरेक्ट इसको पेस्ट नहीं करना है, आप इधर जाएंगे पेस्ट पर तो आप इसके नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगा एक स्पेशल पेस्ट, इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करके जो आपको दूसरे नंबर पर नीचे नज़र आ रहा है पिक्चर, इस पर क्लिक करना है आपने, इस पर क्लिक करना है आपने और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट इधर हमारे पास आ गया है। अब इसको अगर हम उठा के कहीं भी लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास नहीं आता, बस इधर एक इधर फिक्स ही है। तो अब आपने क्या करना है कि इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके इधर आपने जाना है रैप टेक्स्ट पर। रैप टेक्स्ट पर जाके इसको आपने ओपन कर लेना है और बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है इसको, बिहाइंड द टेक्स्ट, और फिर आप इसको जिधर मर्जी ले जाएंगे उधर चला जाएगा, जहाँ दिल आपका चाहे उसको वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर छोटा बड़ा करना है तो वो भी हो जाएगा, जिस तरह आप चाहें इसको कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फ्यूचर में तमाम इस तरह की नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।